नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने पिछले कुछ वीडियोज में भारत और नेपाल के बीच जो विवाद चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, उसको कवर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में भी मैं उसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, कुछ बिंदुओं पर, कुछ टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, जो भी वीडियोज मैंने अब तक अपलोड किए हैं इंडिया और नेपाल डिस्प्यूट को लेकर, उस पर अच्छे कमेंट्स भी आए हैं, सजेशंस भी आए हैं। पर दोस्तों, कुछ लोगों का कमेंट आया है जिसमें उन्होंने गाली गलौज का इस्तेमाल किया है, काफ़ी गंदे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो मुझे उन दोस्तों से मैं प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी बातों से डिसएग्री हो सकते हैं, आप मेरी बातों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन जो प्रोवाइड किया है यूट्यूब ने, वो इसीलिए प्रोवाइड किया है कि अगर आप किसी के बात से अगर आप एग्री नहीं करते हैं, तो आप अपने सजेशन जो है उस कमेंट में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और उस तक पहुंचा सकते हैं कि जी, मैं आपके बात से सहमत नहीं हूं, आपने ये सही कहा है या ये गलत कहा है। तो आप अपने जो भी मन में आपके व्यू है, ओपिनियन है, आप उसको शेयर कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो दोस्तों, एक बार फिर से उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि वो गाली गलौज जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें कमेंट सेक्शन में, वो कमेंट करें और मुझे सजेशन दें, और अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो वो उसको हाईलाइट करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों, मैं चार और बिंदुओं पर बात करने वाला हूँ। पहला है कि नेपाल में चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव। दूसरा, कि क्या भारत को इससे चिंता होना चाहिए, क्या भारत के लिए चिंता की बात है। तीसरा, कि जो विवाद अभी चल रहा है और अगर इसको अभी नहीं रोका गया, मतलब इसी स्टेज पे सॉल्व नहीं किया गया, तो आगे क्या क्या होंगे, उससे नेपाल को क्या सीख लेना होगा, यानी कि सीख लेना होगा कि आगे ऐसा ना हो, और इंडिया को क्या सीख लेना चाहिए इस वक्त कि इस जो डिस्प्यूट है, जो विवाद है, इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों, पहला जो मैंने कहा कि चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव, तो दोस्तों मैं यूं ही नहीं बोलूँगा कि चीन का जो प्रभाव है वो नेपाल में बढ़ रहा है। मैं कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा आपके साथ प्रोवाइड करूँगा और मैं उसी के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे अब चीन का जो प्रभाव है वो नेपाल में बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमेशा से नेपाल में चीन का प्रभाव रहा है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, 5-6 सालों की बात करें, तो चीन का प्रभाव जो है वो धीरे धीरे करके काफ़ी हद तक अब नेपाल के पॉलिटिक्स में, उनके इंटरनल अफेयर्स में काफ़ी बढ़ चुका है। तो दोस्तों, एक एक करके मैं उन सभी तथ्यों को, उन सभी फैक्ट्स को आपके सामने रखूँगा जो मेरे इस बात को सपोर्ट करेगी। तो दोस्तों, अभी जो नेपाल में केपी ओली की सरकार है, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, और जब से ये पावर में आए हैं तो इनका जो झुकाव है वो भारत से ज़्यादा चीन के तरफ है। लेकिन दोस्तों, नेपाल जो है वो आज़ाद है कि वो किस देश के साथ दोस्ती रखना चाहता है और किसके साथ नहीं रखना चाहता है, लेकिन नेपाल को अपने पड़ोसियों से सीख लेना चाहिए। दोस्तों, चाइना का एक ही आप कह सकते हैं कि उसकी जो पॉलिसी है, कैसे भी किसी देश को अपने कब्जे में लेने का, और उसका सबसे आसान फंडा है इन्वेस्टमेंट करना। दोस्तों, मैं चाहे बात करूं श्रीलंका की, या मालदीव की, या पाकिस्तान की, इन सभी देशों में चाइना धीरे धीरे करके अपना प्रभाव बढ़ाया है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इतना ज़्यादा कर्जा ले चुका है चीन से अब कि पाकिस्तान का नाम ही बदल जाएगा। जिस पाकिस्तान को आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वो कल के दिन में COP हो जाए कहीं, चाइना ऑक्युपाइड पाकिस्तान। दोस्तों, श्रीलंका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चाइना जो है वो सभी देशों को सुनहरे तरक्की का सपना दिखाता है, सपना उनके देश में जाके बेचता है, और धीरे धीरे उनको कर्ज लेने को कहता है, और फिर वो देश कर्ज में डूब जाता है। और यही श्रीलंका के साथ भी हुआ, जिसकी वजह से उसको अपना हम्बन टोटा पोर्ट लीज पे देना पड़ा। तो दोस्तों, नेपाल को इन सभी एग्जांपल्स को ध्यान में रखना चाहिए अगर चीन के साथ दोस्ती बढ़ाना है तो।
क्योंकि दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नेपाल और चीन के बीच में एक रेलवे नेटवर्क बनने जा रहा है, नेपाल चाइना नेपाल ट्रांस हिमालयन रेल नेटवर्क। तो दोस्तों जो कि चाइना से नेपाल तक आएगा वाया तिब्बत ल्हासा शहर को होते हुए। तो दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आना है और नेपाल के पास इतनी पैसे नहीं है कि वो इसको अफोर्ड कर पाएगी। तो दोस्तों अल्टीमेटली नेपाल को चीन से कर्जा लेना पड़ेगा और दोस्तों फिर वही साइकिल रिपीट होगा, वही सब कुछ रिपीट होने के चांसेस होंगे जो पाकिस्तान के साथ हुआ, जो मालदीव के साथ हुआ और जो श्रीलंका के साथ हुआ। और दोस्तों आज इस वक्त श्रीलंका कितना डेवलपमेंट कर चुका है ये आपके सामने है, पाकिस्तान कितना डेवलपमेंट किया है ये आपके सामने है। तो दोस्तों इस बात को नेपाल को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों किसी कंट्री के साथ रिलेशन बनाना, बायलेटरल रिलेशन होना अच्छी बात है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना होगा नेपाल को। दोस्तों दूसरा फैक्ट जो है, जो मैंने कहा कि चीन का जो प्रभाव वहाँ पे बढ़ा है, दोस्तों नेपाल में करीब 2 लाख तिब्बती लोग रहते हैं, शरणार्थी लोग। तो दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में उनके खिलाफ और नेपाल का जो आप बर्ताव कह सकते हैं वो सख्त हुआ है। दोस्तों तीसरे नंबर पे नेपाल पाकिस्तान के बाद इकलौता ऐसा एकमात्र ऐसा देश होगा जिसने हांगकांग को सपोर्ट किया, हांगकांग के इशू पे चाइना का खुलेआम सपोर्ट किया है। और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है कि नेपाल इस तरीके से, जैसे कि अभी बहुत से कंट्री हैं जो इससे दूरी बना रखे हैं, कुछ गिने चुने कंट्रीज ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान ने सॉरी चाइना का सपोर्ट किया है हांगकांग इशू पे, और नेपाल भी उन्हीं देशों में से एक है जिसने खुलेआम सपोर्ट किया है। दोस्तों इसके बाद मैं चाइना जो है उसका जो एक पॉलिसी है कि वो पहले किसी भी कंट्री में थ्रू ट्रेड जाता है, फिर वहाँ पर अपने मिलिट्री को एस्टेब्लिश करता है। तो नेपाल को भी अपने इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों पिछले 2-3 महीने पहले नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें टूट पड़ने वाली थी, वो पार्टी टूट जानी थी क्योंकि इंटरनल काफ़ी ज़्यादा ड्रिफ्ट हो गया था और शायद जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अपने कुर्सी से हाथ धोना पड़ता। लेकिन दोस्तों चाइना ने अपने एनवॉय को इस काम में लगाया और उन्होंने इस पूरे जो ड्रिफ्ट था उसको सॉल्व किया। पूरे लीडर्स, अलग अलग जो वेरियस लीडर्स थे और पार्टी के अंदर, उन सबका मीटिंग करवाया, माइक्रो मैनेजिंग करवाया और जो प्रॉब्लम था उसको सुलझा दिया और इस तरीके से वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के उनकी कुर्सी बच गई। तो दोस्तों यहाँ पे भी नेपाल ने काफ़ी ज़्यादा सॉरी चाइना ने काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाया नेपाल के पॉलिटिक्स में और वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी टूटने वाली थी उसको टूटने से बचाया। तो दोस्तों मैंने कहा था कि चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव, तो ये कुछ ऐसे जो एग्जाम्पल थे जो प्रूफ करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं मेरे इस बात को कि धीरे धीरे करके जो चीन का प्रभाव है वो वहाँ पे बढ़ रहा है। दोस्तों एक वाक्या और है कि 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक आया था, काफ़ी भयंकर अर्थक्वेक था, बहुत से लोग वहाँ पे उस अर्थक्वेक में अपना जान गंवा दिए थे। दोस्तों उस वक्त भारत ने काफ़ी मदद किया था नेपाल का, पर एक देश और था जिसका नाम है ताइवान। ताइवान भी भारत का मदद कर नेपाल का मदद करना चाहता था लेकिन नेपाल ने ताइवान के उस मदद को ठुकरा दिया और वो इसलिए क्योंकि चीन नाराज हो जाता। दोस्तों नेपाल की एक नीति बहुत दिनों से चलती आ रही थी कि सबसे दोस्ती दुश्मनी किसी से भी नहीं, और दोस्तों उनकी ये नीति पहले साफ साफ झलकती भी थी, भारत के साथ जो उनकी दोस्ती थी वो दिखती थी और उनकी ये जो नीति है वो भी साफ साफ झलकती थी, लेकिन अब उनके व्यवहार में अब ये नीति नहीं मिल रहा है देखने को। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा था कि भारत को क्या चिंता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों नेपाल चाइना के साथ अगर अपने रिलेशन बायलेटरल रिलेशन को बढ़ाना चाहता है तो नेपाल इस चीज़ को कर सकता है, इससे इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि नेपाल एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो इंडिया का कोई पार्ट नहीं है। सो नेपाल अगर किसी भी कंट्री के साथ बायलेटरल रिलेशन बनाना चाहता है या अगर पहले से है तो उसको सुधारना चाहता है तो इसमें इंडिया को दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए। नेपाल का ये हक है कि वो चाइना के साथ अपने बायलेटरल रिलेशन को ठीक करे। दोस्तों यहाँ पे इंडिया को
ये ध्यान देना होगा नई दिल्ली को, इस बात पे सोचना होगा, विचार करना होगा कि नेपाल के साथ जो हमारी पारंपरिक, सांस्कृतिक और स्वाभाविक जो दोस्ती है उसको किस तरीके से बनाए रखें और किस तरीके से इस डिस्प्यूट को, इस विवाद को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। दोस्तों, भारत को इससे क्या सीख लेना चाहिए और नेपाल को क्या लेना चाहिए, मैंने ये भी आपसे कहा था। तो दोस्तों, भारत को ये चीज़ दिमाग में रखना होगा कि चाइना के जो जियोपॉलिटिकल महत्वाकांक्षा है उसके आगे भारत को नहीं झुकना होगा, और भारत को जो भी उसके पारंपरिक दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, उनको संभाल कर रखना होगा, उनको वरीयता देना होगा, उनको वैल्यू देना होगा, इम्पोर्टेंस देना होगा। नहीं तो दोस्तों, एक एक करके चीन जो है अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हुए, भारत अगर यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ तो उसके अपने जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं जो पारंपरिक दोस्त रहे हैं भारत के, मित्र दोस्त देश जो रहे हैं, वो शायद भारत से दूर हो जाएंगे अगर चीन का जो जियोपॉलिटिकल महत्वाकांक्षा अगर सफल हो गया तो भारत को इस बात को दिमाग में रखना होगा। और दोस्तों, भारत को ये भी दिमाग में रखना होगा कि भारत का जो है रिश्ता जो है वो रोटी बेटी का रिश्ता है, इतना ज़्यादा क्लोज रिश्ता है भारत और नेपाल के बीच में कि हम इस रिश्ते को रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि नेपाल के लोगों की जो शादी होती है, मैरिजेस होते हैं, वो इंडिया में होते हैं, इंडिया के लोगों के जो मैरिजेस होते हैं वो नेपाल में होते हैं, इंडिया के लगभग 6 लाख लोग नेपाल में रह रहे हैं, वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, नेपाल के करीब यहाँ पर 60 लाख लोग रह रहे हैं इंडिया में जो कि यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे नेपाली जो सोल्जर्स है गोरखा रेजिमेंट में, वो भारतीय जो आर्मी है, सेना है, उसमें सर्व कर रहे हैं और भारत की सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों, भारत को इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा और नेपाल को भी इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो हमारी सांस्कृतिक पारंपरिक जो रिश्ता है, स्वाभाविक जो दोस्ती है, उसको बनाए रखें। दोस्तों, 1900 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने नेपाल के बारे में क्या कहा था वो हम जानते हैं कि वी डिजायर अबव ऑल ए स्ट्रॉन्ग एंड प्रोग्रेसिव इंडिपेंडेंट नेपाल, आवर चीफ नीड, नॉट ओनली आवर नीड बट ऑल्सो वर्ल्ड्स नीड, इज पीस एंड स्टेबिलिटी इन नेपाल एट प्रेजेंट। तो उन्होंने कहा था कि हम एक प्रोग्रेसिव, इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग नेपाल चाहते हैं और हम चाहते हैं कि नेपाल में ऐसे ही शांति और स्टेबिलिटी बनी रहे, स्थिरता बनी रहे। वैसे ही दोस्तों, अभी के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी 2014 में नेपाल के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कहा था कि हाउ कैन इंडिया बी हैप्पी इफ नेपाल इज अनहैप्पी, इंडिया कैसे खुश रह सकता है अगर नेपाल खुश नहीं है। तो दोस्तों, हमारी दोस्ती इस कदर है कि इंडिया और नेपाल की दोस्ती इस कदर है, आपको दो अलग अलग प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट मैंने आपको बताए, एक आज से करीब 70-75 साल पहले और एक 5 साल पहले का, दोनों ही स्टेटमेंट यही प्रूफ कर रहा है कि इंडिया जो है वो नेपाल के साथ एक घनिष्ठ दोस्ती चाहता है, उस दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहता है जो इतने सालों से चलते हुए आ रहा है और जिस परंपरा, जिस सभ्यता, जिस सांस्कृतिक और जिस स्वाभाविक स्वभाव की वजह से दोनों देश के बीच में दोस्ती है उसको और आगे ले जाना चाहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे दोनों कंट्री को सोच विचार करके इस डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा इंडिया एक सीख और ले सकता है कि इंडिया और भूटान के बीच में भी एक ट्रीटी हुआ था 1949 में, सन 1949 में। धीरे धीरे उस ट्रीटी की वजह से भूटान को प्रॉब्लम हुए, भूटान प्रॉब्लम फेस करने लगा। तो दोस्तों, 2006-07 में इंडिया ने उसमें रिवाइज किया, दोनों कंट्रीज बैठी साथ में, बहुत से एग्रीमेंट हुए उसमें रिवीजन करके और मीटिंग हुए बहुत से, और फिर नेपाल भूटान जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा था वो सॉल्व हो गया और आज भूटान और इंडिया का जो रिश्ता है वो काफ़ी अच्छा है, जो प्रॉब्लम था वो सब क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इंडिया को और 1950 में जो पीस ट्रीटी और फ्रेंडशिप ट्रीटी हुआ था नेपाल के साथ, तो नेपाल के लोगों को इससे भी थोड़े बहुत दिक्कत है, वो डिसएग्री करते हैं। तो इंडिया को यहाँ पे चाहिए कि वो पहल करें कि दोनों कंट्री बैठें, मीटिंग्स हो, डायलॉग हो डिप्लोमेट लेवल पर, और अगर उसमें कुछ रिवीजन करना है, कुछ चेंजेस करने हैं अगर उस ट्रीटी में, अगर नेपाल को चाहता है तो वहाँ पे इंडिया को ये पहल करना चाहिए। और दोस्तों, चाइना के साथ जो उनके चाइना का जो प्रभाव बढ़ रहा है और जो उनकी दोस्ती बढ़ रही है,
तो नेपाल के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका ये भी कहना है कि चाइना के साथ जो हमारी दोस्ती बढ़ रही है उससे एक खतरा ये भी है कि उससे नेपाल की जो संप्रभुता है उस पर खतरा है, उससे हाथ धोना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों आप चाइना के पूरी पॉलिसी के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में छुपा नहीं है, पूरी पूरा देश दुनिया जानता है कि चाइना का क्या फॉरेन पॉलिसी है, तो इससे नेपाल पे भी खतरा आ सकता है। और दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूँगा कि ये जो भी प्रॉब्लम है इसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। और दोस्तों एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे जो जो भी मैंने फैक्ट्स शेयर किए हैं उससे आप डिसएग्री कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, तो आप कमेंट जरूर करें, मुझे सजेशन दें, मुझे अगर मैं कुछ यहाँ पे गलत फैक्ट शेयर कर रहा हूँ तो आप मुझे उस पर हाईलाइट करें कि आपने ये गलत बोला है। लेकिन दोस्तों गाली गलौज करना किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है, हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं, तो दोस्तों हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि गाली गलौज से कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों कमेंट आप जो है बहुत सोच समझ कर करें कि आपको क्या करना है, कमेंट क्या नहीं करना है, और गाली गलौज का इस्तेमाल आप ना करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।